फ्रेंड गुड इवनिंग। ये देखिए, मैं अभी आलू को भून रही थी, निमकी बना दी बच्चों के लिए। और देखिए अभी समोसा, जो निमकी का जो गूंदा हुआ आटा थी ना, वही मैं थोड़ा सा रख ली थी, तो वही मैं आलू को भून कर और देखिए सारे मसाले को डालकर, और मैं आज बनाऊंगी शाम में समोसा, समोसा चाय यही सब। और देख लीजिए, और मैं बादाम भून ली थी हल्का सा, क्योंकि अभी ठंडा का दिन है तो शाम में चाय के साथ अच्छा लगता है। और देख लीजिए अभी शाम का 6:30 बज चुका है, 6 या 6:30 बज चुका था, तो मैं सारे समोसे को भर दी आलू और छान भी ली अच्छा से उसे। और देखिए यहाँ पे सारे लोग कैसे खा रहे हैं, बच्चे लोग को सब फैमिली के साथ खाने में ही मस्ती लगती है, अकेले ये लोग खाते ही नहीं है। और देख लीजिए ये मेरा है, मैं भी अपना लेके यहाँ बैठ गई हूँ, चाय एंड समोसा। तो जल्दी खा ये के देख आओ, लीजिए कैसी लग रही है, टेस्टी टेस्टी है। अभी ठंडा के दिन पढ़ाई में करना खाने में बहुत है। यम्मी लगती है, तो आ जाइए मेरे साथ भी। और अभी 7 बज रहा है, तो बच्चे लोग को ही पढ़ाई का टाइमिंग हो चुका है। तो ये देखिए, और चटनी मैं नहीं बनाई थी क्योंकि ठंडा का दिन में सर्दी खांसी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे बादाम मैं भून रही हूँ चटनी बनाने के लिए, धनिया का पत्ती कट करना है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। और देखिए मैं कपड़ा यहाँ पे निकाली हूँ कपड़ा धोने के लिए। अभी सुबह का 8:30 बज रहा, आज संडे है, और यही जो आज मैं शूटिंग कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, वो आज ही आपके पास जाएगी वीडियो। और अभी मैं छत पे जा रही हूँ ये से इससे धनिया की पत्ती काटने, चटनी बनाने के लिए। और आज मेरे यहाँ मकई का जो भात होती है ना, वो बन रही है, तो उसके साथ चटनी और जो छाछ होती है वो, उसके बाद चटनी, और बहुत यम्मी लगती है खाने में। और मेरी सारी काम हो चुकी है, भी आने लगा। अब कुछ दिन के बाद इसमें धनिया आएगा ना माँ, इसका जड़ मोटा मोटा हो गया है। बहुत बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा है ना, ना कितना यम्मी लगेगा ये खाने में, मामा। है ना हाँ लगता है खाने में। मेरा हमको तुरंत का भी तोड़ा हुआ तो और अच्छा लगता है। और मम्मी यार जो लहसुन का पत्ता है ना, इसमें डाल देने के बाद लहसुन डालने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ बंद कर दे, इतना ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी हाँ मम्मी इतना भूलने इतना वाला, सारा हो गया। हम लोग का धनिया नहीं अभी खरीद, बहुत है। हम लोग हाँ अभी धनिया नहीं बहुत खरीदना है। पड़ेगा ना। हाँ ये देखिए कितना सारा धनिया का पत्ती निकला, और अब हम लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा, इतना सारा हो गया, इतना सारा। तुरंत का धनिया की पत्ती का चटनी बनाने में और मजा लगता है, और खाने में भी। कैसी लग रही है? और देखिए इसमें सरसों का भी पत्ती है, ये देखिए।